नमस्ते फ्रेंड्स, ए वेरी गुड न्यूज़ फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। फॉर फ्यूचर कंपनी में जो इन्वेस्ट किया है, फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर कंज्यूमर केयर एंड फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड, क्योंकि रिलायंस और फ्यूचर का जो डील है उसमें काफ़ी ये इम्पैक्ट पड़ेगा। आप न्यूज़ में देख सकते हैं कि जो 2 ईयर्स का जो लोन फ्यूचर रिटेल को देना था उस पर एक नया प्लान बना रहा है जो लेंडर्स है। तो लेंडर्स लोग फ्यूचर्स ग्रुप को थोड़ा सा राहत देने के लिए जो 2 ईयर्स का जो बैन है, मतलब 2 ईयर्स तक जो पेमेंट उसको स्थगित कर दिया है, ठीक है। तो 2 ईयर्स तक उसको लोन जो है फ्यूचर रिटेल रिपेमेंट कर सकता है, 2 ईयर्स के लिए ये स्थगित किया है, ठीक है। तो जो और जो इंटरेस्ट रेट जो था उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, प्रीवियसली इंटरेस्ट रेट में ही 2 ईयर्स और टाइम दिया गया है फ्यूचर रिटेल को जो लोन है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। जो लेंडर्स लोग अभी ये ड्राफ्ट के ऊपर चर्चा करेंगे, जो नया ड्राफ्ट बन रहा है, और लेंडर्स लोग डिस्कस करने के बाद अप्रूव करेंगे, फिर वो RBI के अंडरटेकिंग में वो सारा डिसीजन होगा, जो कि काफ़ी अच्छा न्यूज़ है और फ्यूचर रिलायंस डील के लिए और फ्यूचर जो जितना भी स्टॉक्स है उसके लिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि पूरा रिलायंस फ्यूचर डील एक नया रूप से एक अच्छा एक न्यूज़ देखने के लिए मिल रहा है ड्यू टू ये लोन मोरेटोरियम के लिए जो 2 ईयर्स तक स्थगित करने के एक अप्रूवल प्रोसेस अभी हो रहा है। लेंडर्स लोग अगर अप्रूव कर देगा तो बहुत ही बड़ा न्यूज़ है फ्यूचर रिलायंस डील के लिए। इवन फ्यूचर का जितना भी स्टॉक्स है बहुत अच्छा है। तो देखिए, रिलायंस फ्यूचर्स का जो वेंचर्स है इनिशियली अनाउंस द प्लान टू परचेज फ्यूचर्स ग्रुप रिटेल एसेट्स इन अगस्त 2020। तो उसके चलते ये जो पार्ट नहीं हो पाया क्योंकि अमेजोन एंड फ्यूचर का जो टसल है उसके बीच, बट ये डील तभी हो पाएगा जो कि सारा जो लीगल बैटल है वो क्लोज हो पाएगा, तभी ये डील ये अप्रूव होने के बाद भी ये लीगल वे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जा सकता जब तक ये लीगल बैटल चालू है। बट ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है फॉर फ्यूचर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो रिलायंस एंड फ्यूचर डील का जो काफ़ी अच्छे बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं उसके लिए भी एक राहत है, क्योंकि जो बैंकक्रप्ट होने वाला था फ्यूचर रिटेल कंपनी उसके लिए 2 ईयर्स उसको और टाइम दिया गया, लेंडर्स अप्रूव करेगा तो उसका एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट देखने के लिए मिल सकता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ है आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये बहुत यहाँ पे अभी देख सकते हो कि कैश ट्रैप्ड फ्यूचर रिटेल में गेट मेजर रिलीफ बाई मंथ ऑफ एंड ऑफ अप्रैल, ठीक है। तो यहाँ पे आप न्यूज़ देख सकते हो, ये बहुत ही बड़ा एक न्यूज़ है एंड फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत एक अच्छा एक न्यूज़ हो सकता है आगे दिनों में चल के, क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्यूचर रिटेल्स इन्वेस्टर्स कुड अप्रूव। यहाँ पे जो न्यूज़ का जो स्नैपशॉट है मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाला, फ्यूचर रिटेल्स लेंडर्स कुड अप्रूव ए डेट रिक्वेस्ट प्लान फॉर द कंपनी बाई द एंड ऑफ द मंथ अप्रैल, ठीक है। तो अगर ये 2 ईयर्स के लिए इसको अप्रूव कर देगा तो फॉर ये और everyone it is a big news, good news होने वाला है। तो देखते हैं क्या होता है, बट डेफिनेटली ये गुड। यहाँ पे देखिए, द ड्राफ्ट प्लान इंडिकेट्स दैट द फ्यूचर रिटेल विल गेट ए 2 ईयर मोरेटोरियम ऑन रिपेमेंट्स विदाउट एनी चेंजेस इन द प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट, ठीक है। एडेड टू द एनोनिमस बैंकर्स, द लोन रिलीफ प्लान फॉर फ्यूचर रिटेल इज सिमिलर टू वन अप्रूव्ड फॉर फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन लिमिटेड अर्लियर, मतलब फ्यूचर फैशन के लिए जो अप्रूव किया गया था अर्लियर में, सेम वे में फ्यूचर रिटेल के लिए भी ये लेंडर्स को अगर अप्रूव कर देगा तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और फ्यूचर रिटेल और रिलायंस का जो डील होने वाला है उसके लिए भी एक बहुत अच्छा एक न्यूज़ है, बट उसके लिए अमेजन का जो टसल चल रहा है लीगल बैटल वो ख़त्म होना है पहले, फिर वो आगे चल के वो डील हो पाएगा। बट फॉर डेफिनेटली फॉर टाइम बिंग एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, ठीक है। तो ये न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, होपफुली आपको थोड़ा सा ये न्यूज़ देख कर थोड़ा सा हेल्प रहा होगा जो लोग फ्यूचर रिटेल का
स्टॉक्स अभी भी होल्ड कर रहे हो, उन लोगों के लिए ये न्यूज़ बहुत हेल्पफुल रहेगा। और जो लोग नया ट्रेडर्स हो, जो लोग नया हो स्टॉक मार्केट में, उसके लिए भी ये न्यूज़ थोड़ा सा अगर आपके नॉलेज में रहेगा तो आपको हेल्पफुल हेल्प हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।